किचन में भाई क्या बन रहा है? चाय बन रही है भाई। देखो पापा चाय बना रहे हैं। पापा क्या चाय पियेंगे? तो बन चुके हैं, चूल्हा वूल्हा बंद हुआ है भैया। नाश्ते के लिए चाय तो रेडी हो गई हमारी। तो इधर टाइम भाई 11:30 हो चुके हैं अभी सुबह के। तो उठ गया हूँ मैं इतने बजे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी MC। तो आप देख रहे हो मेरा फ्री मेरा फ्री में देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब मार लो और बेल आइकन लाजमी दबा देना। तो आज का दिन भी हैदराबाद में तीसरा दिन है मेरा, ठीक है। और अभी जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना भाई साहब, वो देखो चार्जिंग कितनी है यार। रात में देखो मैंने स्क्रीन शॉट लगाया यार, रात में ना मैं ला के सो गया 3-4 बजे का टाइम, और हुई नहीं सुबह चार्जिंग ही नहीं हुई। और अभी लाइट भी चली जाएगी भाई यार, चार्जिंग नहीं है मोबाइल के अंदर। मतलब अभी नाश्ता अच्छे से फ्री हो गया, फिर मोबाइल में चार्जिंग करेंगे भाई। इधर नाश्ता लग रहा है हमारा, ठीक है। पराठे चनाटे और ये छोले भी आ गए भाई, अंडा भी आ गया, हलवा भी आ गया भाई। यार इधर तो मजे मेरे कराची में, तो भाई सिर्फ अंडा पराठा चाय पराठा ये चीज़ें खाते रहो। हलवा पूरी सिंपल ज्यादा इतना कुछ मिल रहा भाई। देख लो पापा के पास आने से ना दिल कर रहा हूँ यहीं रहूँ भाई अब तुम्हें। तो चलो भाई नाश्ता करते हैं। चाय वाय सब कुछ आ गया, ठीक है। अंडा ही आ गया, छोले आ गए, पराठे देख करो भैया। ले ऐसे पराठे अपने कराची में इतनी आसानी से नहीं मिलते सुबह के भाई, वो मिलते हैं चाय वाले जो होते पठान के। भाई अगर धोबी गार्ड पिए देख रहे हो, कपड़े शपड़े भी भाई धुल गए मेरे, ठीक है। पप्पा ने रात में धो दिया भाई, चेक करो सूख गया भाई, सूख गया यार। और यहाँ पे मेरे पप्पा का सामान आया था भाई, देखो जो ठेले पे लेके जाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, छीका बोलते हैं शायद इसको, स्टैंड यानी कि। और अपना ये सिगड़ी बोलते हैं, कोयले बोलते हैं। ये अपना डब्बा छप्पा आ गया, ये लाइट का आ गया, रात में लाइट जलाते हैं यार। जब मैं यहाँ रहता था ना तो भाई मैं भी जाता था पप्पा के साथ काम पे ना, बड़ा मज़ा आता था यार, वो दिन भी याद आ रहे हैं। ये देखो खाली खाली सीखे पड़ी हैं, इसमें भर के खाएंगे हम और आपको बताएंगे भाई कैसी होती है। मगर आप बोलो कि पप्पा का अच्छा ही बताएगा ना यार, रियलिटी चलती है भाई। दवाइयाँ आ गई हैं, देखो गोलियाँ छोलियाँ आ गई हैं, देखो ये सारी मैंने लेनी है। पता नहीं यार गले छले में क्या फंस गया भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरा यार। गला सब बंद हुआ है भाई, और है ना अपना नजला जला सा हो रहा है, दिमाग ऐसा खत्म हुआ है, तो इसलिए सब मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। मैंने मतलब काफ़ी अल्लाह शाफी। अरे यार बैठ के पानी नहीं पिया, सॉरी यार सॉरी यार, मुझे लग रहा है मेरे नज़र लग गई है भाई। हर कोई हाय उई उई हाय हाय हाय, ये इतना बड़ा आदमी बन गया, पैसा वाला हो रहा है ये वो, पैसे तो आ भी नहीं रहे भाई। पता नहीं क्या लोगों को क्या हो रहा है भाई, ये इसमें बैठ रहा है, उसमें खा रहा है, बैठ रहा है यार। बड़ी नज़रें शजरें लग रही हैं। तुम्हारे बाप का खा रहा हूँ, अपने बाप का खा रहा हूँ, और हलाल खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ। थोड़ा दुआ शुआ करो और सपोर्ट करो, प्यार करो यार। चलो यार मैं रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा गोले शोले खा के। तो मिलते हैं भाई थोड़े रेस्ट के बाद थोड़ी देर में, आधे घंटे में। अल्लाह हाफिज़। 1 hour later लाइट चली गई है भाई, देख रहे हो सब बंद। अभी तो आपके मैंने ये कटिंग करी है भाई, देखो शलवार पहनी हुई है और ये शर्ट पहनी हुई है काली, तो ये वाले कपड़े पहनते भाई पीछे वाले। भाई पोपट हो गया इस शर्ट का भाई, देखो सत्यानाश हो गया है। देखो दिख रहा है कलर बिलू 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 चढ़ गया इसके ऊपर, कलर इस पैंट का इस शर्ट पे कलर चढ़ गया भाई। पप्पा ने फायदा भी करा भाई धोके, और एक नुकसान भी कर दिया भाई, लॉस्ट हो गया मेरी एक शर्ट का, वरना मैं ये कपड़े नहीं पहनता, यही वाले पहनता भाई, लेकिन अब ये नहीं पहन सकता यार, खराब हो गए देख रहे हो। और इनकी मैंने कलेक्शन निकाली और डिसाइड करूँगा कौन सी पहनूँ, ये कौन सी, और इसको धो डाला मैंने भाई, साफ़ कर दी। चलो भाई मार्केट ट्रेन पकड़ते हैं। A few moments later. तो यार गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपना कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। अपना ये टावर से थोड़ा करीब है तो आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ ये मिर्ची पकौड़े, ठीक है, समोसे वहाँ से बन रहे, तो यहाँ पे ये लेते हैं, ये खाते हैं भाई। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत पुराना है, ये फेमस है हैदराबाद का, जैसे अभी ये रात तक चलेगा भाई। ये आपने देखा कराची के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं कि रात तक ये चीज़ें बिक रही हो भाई, तो यहाँ ये रात तक फ्रश लगा रहता चलता रहता, ठीक है। तो हम मैं भी खाते हैं, पकौड़े मंगा लिए और मिर्ची मंगा लिए, ठीक है, गरम गरम भाई। और ये डब रोटी से खाएंगे, यहाँ डब रोटी वाला सीन है भाई हैदराबाद में ज़्यादातर। तो भाई हम इधर ले आए अपना, ठीक है, वहाँ तो रश हो रहा था, वीडियो बनने मुश्किल हो रही थी, तो यहाँ खा लेते भाई हम, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो भाई, यही सेटअप लगा हुआ था, समोसे यही कबाब वबाब खाया था। चलो भाई पकोड़े से खा लेते हैं, ठीक है। और चटनी भी चेक करो भाई, यहाँ की अलग ही है भाई। भाई हैदराबाद में बहुत कुछ अलग है कराची से यार, बहुत कुछ अभी दिखाने के लिए, मतलब बहुत कुछ है। अभी दिन हमारे पास इतने हैं भी नहीं, और इतनी जगह कैसे जाएंगे हम, तो ये टेस्ट करते हैं, बता दें कैसा भाई। बीस मिनट कोड पे चेक करो भाई, बच्चे चेक करो, ऐसे देख रहे हैं भाई। VIP 10 out of 10 यार, टेस्ट करो हैदराबाद आओ तो। यहाँ पे रात में ही बहुत रश होता है यहाँ पे। चलो यार मिर्ची भी ट्राई करते हैं, यहाँ की मिर्ची कैसी है भाई। फ्रिज कर लिया भाई, पप्पा के पास जा रहा हूँ अपने, ठीक है। तो भाई टावर मार्केट तो आ गई समझे, बस ये मस्जिद पार करके ये स्टेशन आ गया, तो चलते हैं। तो भाई देखो मार्केट में आ गया टावर की, ये देखो परिंदे आ गए यहाँ पे, काफ़ी सारे मुर्गियाँ बिक रही हैं। मुर्गा मुर्गी भाई, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा ही मुर्गी नज़र आ रही है भाई, ठीक है। काली शाली पीली नीली, पहले साबुत मुर्गा मुर्गी दिखे, अब कटे पिटे दिख गए भाई ये खाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कबूतर शबूतर ये चीज़ें दिख रही हैं भाई, मुर्गा मुर्गी। पप्पा के पास आ गया, यानी कि पप्पा की रोजी पे यार वॉइस इसलिए कर रहा है, यहाँ पे भी अजान हो रही है मगरिब पिटे की, माशाल्लाह से मस्जिद चेक करो यार।
पप्पा के ठेले के पीछे बहुत पुराना बहुत मशहूर सिनेमा है, ये इलाइट सिनेमा टूटा हुआ, दूर से दिखा रहा हूँ, ये देखो टूटा हुआ इलाइट सिनेमा बहुत मशहूर है, पप्पा का ठेला वाला देख रहे हो, सिनेमा के पीछे टावर भी नजर आ रहा होगा, देखो पप्पा के ठेले के बराबर बराबर में भी भाई ठेले लगते हैं दो तीन, ठीक है भाई सामने ड्राई फ्रूट की दुकान है, ठीक है सर्दियों के दुश्मन है बादाम पिस्ता अखरोट सियालकोट चिलगोजे, पप्पा ने चाय मंगा के साले की याद दिला दी। A few moments later, पप्पा के पास से निकल गया हूँ, डेंजरस चाड़ी उतर रहा हूँ भाई, चुने बट्टे की मोबाइल जेब में रखता हूँ, ऐसा ना स्लिप हो जाऊँ भाई उससे पहले। A few moments later, घर पर आ गया हूँ, टाइम 6:20 हुए बस यार अभी तो। यार ये आप सामान देख रहे हो, ये थोड़ी मेमोरीज है मेरी, आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बताता हूँ ठीक है इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, जैसे आया भाई हमारा दिल नहीं लग रहा था अकेले, टाइम देख लो 11 बजने वाले हैं यार, तो लाइट गई हुई थी यार इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, अभी 11 बज चुके हैं ठीक है, मैंने रेस्ट ले लिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है यार मेरे, मैं सो रहा था समझे, सो गया था बस ये समझ लो। तो आप ये देख रहे हो ना भाई सारा सामान इतना सारा भाई, ये आप देख रहे हो भाई, ये एक्सरे है, ये मेरी टांग की, आपको जिसके पता मेरी टांग पे लगी हुई है और ना मेरी बहुत टांग टूटी है बहुत, ये तो समझो आधे से आधे भी नहीं है एक्सरे, ठीक है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैदराबाद में रखे हुए अभी बहुत है, पप्पा ने पता नहीं दिखाना इधर रखे हुए होंगे कुछ सामान, मैं यहाँ से निकाल नहीं सकता यार, मैं आपको ये मेमोरीज दिखा रहा हूँ लेकिन यार पूरी देखना, देखो प्लीज स्किप मत करना, बहुत काम आएगी, यानी कि मतलब बहुत कुछ आपको मेरे बारे में पता चलेगा, मजा भी आएगा सुन के, थोड़ा इमोशनल वाली भी है, पूरी सुनना देखो भाई, मैं कहता हूँ बकछोड़ी नहीं करूँगा, जो करूँगा काम की बात करूँगा, पूरी देखना। ये देखो भाई, ये देखो मेरी टांगें टूटती थी, ये देखो भाई एक्सरे चेक करो यार, मैंने बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है मुझे पता है बचपन से ही भाई, अब अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया मैं, अपने अल्लाह का शुक्र है 5-6 साल से, चेक करो सही है, इस टांग के भी यार, ये टांग आपको पता है ख़राब है थोड़ी, ना मतलब अप एंड डाउन है, मेरी हड्डी बाहर है ठीक है, और ये देखो भाई ये ऐसे बाहर है, देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा हो थोड़ा बहुत आगे दिखाना इनको, ये देखो यहाँ से मेरी हड्डी ख़राब है ऊपर साइड से ठीक है, ये भी टांग टूटी थी मेरी, ये देखो भाई ये भी टांग टूटी है, दोनों टूटती थी मेरी कभी वो देखो भाई सही है, ये भी चेक कर लो भाई, ये भी टांग टूटी हुई है मेरी, देख सकते हो एक्सरे की शायद, तो भाई तो यार कराची में भी बहुत पड़े एक्सरे, क्योंकि कराची में भी बहुत टूटी है मेरी टांग, यहाँ पे भी टूटी है, यहाँ ज़्यादा टूटी है। अच्छा मेरी टांग टूटने का सिलसिला बताऊँ आपको यार, मेरी इतनी हड्डियाँ कमज़ोर है कांच समझ लो, और मजबूत ऐसे ही लोहे से भी ज़्यादा, पता ही नहीं है हल्का सा गिरता था ना मैं मेरी टांग टूट जाती, इतना बुरा गिर रहा हूँ भाग रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ था आपको पहले पता नहीं था भाई, मैंने तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारी है ठीक है, अब मेरी टांग पता है कैसे टूटी सब मैं पहले बता रहा हूँ भाई, मेरा ना पैदा हुआ ऐसे के, पैदा होने के बाद आपको पता है कि ना होता है यार कि 6 दिन बाद वो छठी वट्टी होती है बच्चा नहाता यार, 6 दिन के बाद नहलाया जाता है बच्चों को, आपको पता होगा सही है सबको, बच्चों को क्या पता नहीं बताओ, तो जब मेरे को नहला रहे थे ना 6 दिन बाद पैदा होने के बाद, जब भी मेरी दोनों टांगें टूट गई थी कसम से, दोनों टांगे नहाते हुए भाई इतनी कमज़ोर है, उसके बाद जो लाइन लगी टूटते टूटते हर जगह हर गली में हर जगह कोने पे, ये जब कहा हैदराबाद जा रहा हूँ कराची जा रहा हूँ तो वहाँ टूट रही है, फिर आ रहा हूँ प्लास्टर बंधा हुआ, 6 साल हो गया मैं वहाँ रहते हुए कराची में, बाकी यहाँ भी टूटी है वहाँ भी टूटी है भाई, ये देखो यहाँ से मेरी टांग खराब है, देख रहा हूँ ये जगह देख रहा हूँ ऊपर नीचे और मोटी मोटी हो रही है भाई, टूटी तो बहुत दफ़ा है लेकिन ये ख़राब पता है कब हुई है, जब मेरी 4th या 5वीं दफ़ा टूटी थी ना, हमने करा लिया जर्रे से होता ना जरा जो था यानी कि उससे करवा लिया, उससे मेरी टांग खराब पड़ी वरना टूटती थी सही हो जाती थी, टूटी सही एकदम खराब हो गए भाई अचानक से, बस क्या करें यार अल्लाह पाक बस क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं किसी चीज़ से मुताज थोड़ी आपका भाई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ कर पाता है भाई, लोग देख के समझते हैं कुछ ना कुछ मसला होगा, इतना नहीं भाई अल्लाह का शुक्र है VIP है खुश है आपका भाई, तो अभी आधे भी एक्सरे नहीं है, तभी आए थे भाई थोड़ी अच्छी जगह पर तस्वीरों पर आए थे भाई, मेरी पुरानी तस्वीर है जो भाई ये चेक करो भाई, आपका छोटा डॉन छोटा MC भाई चेक करो फ्रेश के चेक करो भाई, ये पहले मेरी तस्वीर है ये याद आ रही है देख के यार हैदराबाद की, यकीन करो और अपनी भी भाई बचपन याद आ रहा है, और ये देखो भाई ये मेरे स्कूल की तस्वीर है, देखो नर्सरी क्लास की पोजीशन आया था फर्स्ट, पता नहीं थर्ड आया था क्या आया था, और ये आ गए भाई KG1 की, KG1 में फर्स्ट आया था, ये मेरे को अभी तक याद है, ये भी मैडम टीचर है ठीक है, ये अपना यहीं पर हैदराबाद के भाई है, मेरे पास और भी बहुत ट्रॉफियाँ ऊपर ही रखी हुई होंगी, पप्पा से कल निकलूंगा बहुत ट्रॉफियाँ, भाई बहुत पोजीशन है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा पढ़ता था, अभी जो मेरे को बोलते हैं ना पढ़ाई पे ध्यान दो मुझे पता है अच्छे के लिए बोलते हो यार, मैं पहले बहुत दिल लगा के पढ़ता था लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, और ये भी तस्वीर है भाई आपके भाई की बचपन की ठीक है, ये सिस्टर है इसलिए मैंने ये रिमूव कर दिया ठीक है, दिखा नहीं रहा भाई, ये चेक करो कलाशन भाई, कलाशन लिया आपके भाई ने छोटा डॉन, ये भी रिपोर्ट है भाई, क्या लिखा हुआ है इस पे मास्टर मुजम्मिल, दिखाना जरा मास्टर मुजम्मिल, अबे भाई मुजम्मिल चेमो यार मास्टर कहाँ से, हाँ लोकल के मास्टर बनेंगे, ये भी मेरी रिपोर्ट है मुजम्मिल नाम की ठीक है, तो बस ये था भाई ये दिखाना लाजमी था ताकि आपको पता चल सके मेरी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ कैसी था, कि आप अजीब सारा सोच सको कुछ गलत ना सोच सको कुछ नेगेटिव या अपने पास से ठीक है, बता दिया मैंने बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं अब डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसमें अपने सब कुछ बताना लाजमी है, कोई और मैं छोड़ने वाला तो हो नहीं है, व्लॉगिंग चलती रहेगी इंशाल्लाह आगे तक।
तो व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं भाई। जो व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।